अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ये बंद गोभी जो कि वो मेहमा ने काट के रख ली है। अच्छा मेहमा क्या बना रही है तो मेहमा ही बताएंगे आप लोगों को। मेहमा क्या बना रही है? चिकन निकाल दिए मेहमा ने। और ये क्या है? टमाटर, गाजर का देखते हो मेहमा कैसी बनाती है। ये आई हुई है बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी आई हुई है घर पर। बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग सब दुआ करें कि बड़ी अम्मी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। आज डॉक्टर के पास जाएगी बड़ी अम्मी जब भी आई हैं। और आप लोग दुआ करें कि बड़ी अम्मी को आराम आ जाए। इंशाल्लाह ठीक आएगी। अम्मी और हसबैंड जाएंगे सामान लेने के लिए मार्केट। जैसे आएंगे फिर हम अफ्तार की तैयारी करेंगे। और ये अपने सारे मसाले निकाल के रखेंगे। पैकेट निकाला, किसी की लाल मिर्च, किसी का धनिया, किसी की मिर्च। अरे इस पैकेट मसाला होता है वो भी हमने मंगवाया। आ गई है, सौदा भी आ गया, सौदा सारा आ गया है। भाभी ग्लोव्स के लिए चीनी घोल रही हैं। टैंक के लिए मैं टैंक ही नहीं घोल रही। अच्छा रोबे के लिए हो गई। रोबे बनाओगे ना फिर? दाल चढ़ाई दी है मेरे काम में। अब हमें सारा मसाला सारा निकाल रही हैं। क्या मैं घुस चुके हैं और ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। देखते अम्मी को किचन से ज़रा रफ्तार कर दीजिए। बड़ा आसान है आपका। वो देखो चीजें के फिर अम्मी को तो बहुत शौक हो रहा है काम करने का। घर के अंदर घर के अंदर है तो ये काम करेंगे। गार्डन निकाल के उनको कि भाई ऐसे सब ये काम करा रहा है। गार्डन में मिट्टी डल रही है नवा, इसलिए घर पर रहेंगे क्योंकि ये काम हो रहा है गार्डन में। गार्डन में मिट्टी डल रही है इसलिए जी। एक सेकेंड, यहाँ मैंने फूड चार्ट कट कर लिया। इनको शौक हो गया ये डालेंगे। देखो और डालो स्पैगेटी। देख सकते हैं आप लोग सारा सामान रखा हुआ है स्पैगेटी का। तो मुझे ना तुम नमक चख के बता दो। खोलता हुआ अब ऐसा भी नहीं हो रहा। स्पैगेटी का मैं बनवा रही। क्या क्या डाले इसके अंदर? मैंने प्याज नहीं डाली है। नहीं डाली। बहुत लोग होते हैं जो प्याज डालते हैं मगर मैंने प्याज नहीं डाली है। इसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भूना है। उसके बाद मैंने मसाले मसाले डाल दिए सारे। ये नमक रखा हुआ है, ये स्पैगेटी और सॉरी जल्दी से हो गया। मसाले डालने के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया। अभी जब तक इसके अंदर खोल लिया जाता अच्छे से। अब तुम चकरा लो पहले मुझको। हाँ चकाती हूँ बहन। बहुत ठीक है नहीं डाले। अच्छा अभी डाल लो। क्या मेरा स्पेशल क्या होते हैं क्या बोलेंगे मैं स्पेशल टेस्ट? आलू अभी गला नहीं है भी तुम खा सकती हो। मिर्ची तो मैं कर दी है सीरियस। तो अभी मैं ये सब मिलाऊंगी। अभी तक क्रीम माइनस केचप मिलेगा मच्छी हट जाए। अभी मैंने बंद गोभी भी नहीं डाली है। बंद गोभी मीठी मीठी होती है ना। क्या समझ आलू मैं खाती नहीं हूँ तो मैं आलू डाल दूंगी।
नहीं नहीं आलू में चटनी तो डाल दो। अच्छा कटेगा नहीं गले एक सेकेंड आप लोग सही बनाया मैंने आलू चक्कर वैसे मैं आलू खाती नहीं मैंने चख लिया तो मुझे क्यों ना एक सेकंड बॉडी दे दो बस लोग बोलेंगे दो सौ रखी नहीं क्या बन गोभी हा 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 बस ना बन गोभी चुकी है बन गोभी डाल चुकी है अब क्या डालोगे तुम आराम से नीचे से उठा जाओ पकड़ने वाला वो लेकर आओ जल्दी से जाओ पहले जाओ लेकर आते पहले हम नीचे से फिर आएंगे दोबारा ऊपर अब मैं लेकर आ चुकी हूँ ये मिक्स भी कर लिया तुमने तो हो जाती है जब तक मैं अभी मैं धो लेती हूँ अब जब ये पूरी पक जाएगी बन गोभी हमारे आलू सब कुछ जब गल जाएगा है ना अच्छे से जब सब कुछ गल जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं डालूंगी केचप मायनेस फिर मायोनीस जो भी है तो बात करना तो नीचे जाओ और एक बंद गोभी रखी होगी फ्रिज में और कटर वो जल्दी से भागती लेकर जाओ जाओ जल्दी भाग के जाओ लेकर आते हैं बंद गोभी मैं नीचे नहीं जाऊंगी ऊपर से ले लूंगी या जल्दी से लेकर आओ जल्दी 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 बंद करके नहीं खेलती मैं ही खराब था चुका वह मैं इतनी स्पीड में कट है कार्ड भी लिया मैं मैंने वैसे आप कितने क्यों डाल लियो बताओ बस जब पक जाती है ना ये तो थोड़ी सी हो जाती है और आज हमारा पेपर था भी पता कैसा हुआ पेपर आज का बहुत अच्छा मेरा तो बहुत अच्छा तुम्हारा कल छूटी गार्डन में मिट्टी डल चुकी है अभी वहाँ से छुट्टी है मिट्टी ले रहे हैं पौधे पर हमें बता रही हैं कि कौन कौन से ले गए हमें बता रही है ना और ये गर्मी आ रही है बेल है मुझे क्या ये बड़े मजा के बोले वो इधर रात का राजा दिन का राजा और ये क्या है बड़ी अम्मी मनी प्लांट भी ले इससे ना तुम्हारे घर में कोई ऐसा वैसा नहीं अभी उतार लोगे खाद लेके आऊंगा ना मैं तो खाली आऊंगा लेके आऊंगा हाँ चल रही लेकिन ये है छोटा है ना ये बड़ा रहता है बड़े बड़े होंगे मतलब कैम लगेगा बड़े बड़े भी जो है डबल शेड वाला जो बोलिए वो वाले निकल कौन सा फूल वाले रहेगा हाँ देता हुआ पेड़ ये देखो हाँ
ये रख ले, तो जो फूल लेता हूँ बड़ा पेड़ो ना वो ले कर आना। ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है। नहीं ये बस अभी गैस रख लिया, वो खत्म है। हाँ ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये रात का तो प्यारा कितना लग रहा है, रात का राजा। दिन का राजा भी दे दो। बड़े लगाए पेड़ हम लोगों ने, बहुत लगाए। स्ट्रॉबेरी का चाहिए? नहीं पक रही है, खाने वाली है अभी, ये फिर खत्म हो जाएगी। बड़े गमले में लगाऊंगा, चलती रहती है, मैंने लगाया हुआ उधर वो तो इतनी बड़ी। हाँ तो बड़े गमले की हमें दे दियो, ला के हम वही लगा लें। आ रही है स्ट्रॉबेरी, देखो ये क्या बड़ी अम्मा, ये कम नहीं लग रहा मुझे। कौन सा ये वाला? हाँ ये तो रानी, ये रात की रानी। चलो अभी इसमें पानी वानी डलेगा तो ये सही होगा। पानी वानी डला हुआ है अभी, लगा दूंगा ना जमीन में, अच्छे फैलेंगे। तो यहाँ पे रख रहे गमले, गमलों में भाई मैंने यहाँ पे रख चुका है पानी, और इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल रख दिया है। तो गैस हो गई है हल्की हमारी, तो जब ये थोड़ा सा खोल हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी और स्पैगेटी दोनों चीज़ें डाल के पकाऊंगी। हम लोग ने पानी गर्म हो चुका था तो हमने पानी गर्म करने दे दिया, तो हमने पानी के अंदर स्पैगेटी डाल दी और नीचे सबसे नीचे हम लोग ने माइक्रोवेव डाल दिया। तो हमारी ये जब हो जाएगी तो हम आपको जब दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा सारा रेडी होने वाला है, मिक्सर हमारा रेडी होने वाला है। जब मिक्सर रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये डालूंगी, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, फिर केचप माइनस और क्रीम। फिर अगर नमक कम लगेगा रोज़े के बाद तो रोज़े के बाद हम नमक डाल देंगे। तो भाई अब यहाँ पे हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर और खोल आएगा फिर हमारा मिक्सर रेडी हो जाएगा। तो अभी हमारा मिक्सर रेडी होने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी पानी हैगा। तो अब यहाँ पे हमारा ये बॉयल हो रहा है, अब यहाँ पे अभी और होगा। जब ये ज़्यादा सही से हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। तो भाई मैं अब इसमें पहले इसका कैप ढक दूँगी, और भाई अब मैं ये फॉक्स से चेक करूँगी। ये अब मेरा हो चुका है, बहुत गर्मी हो रही है वैसे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है भाई। और फा भी तो गई हुई है अपने घर, तो आज वो आ जाएंगी। अब उनके बगैर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि हम कोई घर के अंदर ना हो और फिर हम ये बना रहे हैं। तो कहने लग गए कि ना मेरे लिए रख देना, मैंने जी रख दूँगी, आप बेफिक्र हो जाएँ। तो अब हमारा ये सब हो चुका है, मगर ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ्राई कर रहे थे, गैस चली गई है, बिल्कुल हल्की हो गई है, सब चीज़ें भी फ्राई करनी है। भाई अम्मी को तंग करते हुए, क्या तंग करते हैं अम्मी ये हैं? तो चक्के बताएं कैसी बनाई हो मेहमान। अच्छी है उमेमा, पास हो गई, अच्छी लगी है। आलू कौन सा है इसके अंदर? तंदूरी चिकन है, ये रहा गोश्त दाल है। ये आलू कौन सा है इसमें? हसन पहले कह रहे थे मैं नहीं खाता ये, अब खाने बैठ गए। दरअसल बहुत से लोगों को इज्जत
दो ना तो समझ में नहीं आ। हम लोग जरा सा खोची के मारे खा रहे हैं, हम लोग ज्यादा ही दे रहे हैं। नहीं करूंगी बंद। क्या बोला? कह रहे अच्छी लगे। पूरा काम हुआ नहीं है ना, होगा। हाँ, हम लोग देखने के लिए आए यहाँ पर। हाल भी चल, अब अच्छा लग रहा है ना, सारा सामान हट गया। लेकिन मच्छर कैसे आएंगे टाइट? यही तो। देखिए हमारे घर बन गया है, छोटा सा गार्डन। ये था हसनैन का ड्रीम जो पूरा हो गया है, और हसनैन बहुत खुश है। बस यहाँ से ये सफाई होगी, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगी एक दो दिन में, आज ही हो जाएगी। बोलते हैं अहमद भाई आएंगे साफ करने के लिए। ये सफाई होगी बस यहाँ से और यहाँ से बस, और बाकी सब कुछ साफ हो गया है। जब ये पेड़ बड़े बड़े होंगे तो और हसीन लगेंगे, है ना मेमा जी? मैं कह रही हूँ जब ये पौधे बड़े बड़े होंगे तो कितने हसीन लगेंगे। हाँ।